नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमन टीशा ओवन चैनल में। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला करी, जो कि बनाने में भी इजी है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन मसाला करी बनाने के लिए हमें आधा किलो चिकन लगेगा विथ बोन, जिसे हमें अच्छे से धो लेना है गर्म पानी से। और दो बड़े साइज़ के प्याज लगेंगे। प्याज को हमें बड़े बड़े लंबी साइज़ में कट कर लेना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट लगेगा, जो कि मैंने बना के रखा है, ये देखिए। और बनाने के लिए हमें तेल लगेगा आधे ग्लास, छोटी आधे ग्लास में, ये देखिए। हाँ, अगर आप चिकन करी है वो राई के तेल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। और तड़के के लिए हमें जीरा, तेजपत्ता, लवंग, मिरी और जायफल लगेगी। और ये बारीक मसाला है जिसमें मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन मसाला लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर गर्म होने पर हम उसमें तेल डालेंगे। इसके बाद तेल गर्म होने पर तड़के का हमें मसाला डालना है खड़ा। उसे अच्छी तरह भून लेना है। भूनने के बाद हमें इसमें प्याज डाल देना है कट किया हुआ, और इसे भी हमें हल्का सा भून लेना है। हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे सारे पीसेस। ऊपर से हम नमक डाल देते हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसे हमें ढक देना है 10 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पर ही हमें ये बनाना होगा। 10 मिनट बाद इसे हम अच्छी तरह एक बार चला लेंगे। ये चलाने से हमारे मसाले हैं और ये भुन जाते हैं चिकन अच्छी तरह। ऐसा हमें 10-10 मिनट ढककर हमें इसे पकाना भी होगा और भूनना भी होगा। इसके बाद हम इसमें 2-3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फिर इसे हमें अच्छी तरह वापस से भूनना है। और मसाला लगे नहीं इसलिए हमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। हल्का सा नमक, हल्दी पाउडर और डालेंगे, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और चिकन मसाला। इसे डाल के हमें अच्छी तरह भूनना है अभी। और ये काम हमें स्लो फ्लेम पर ही करना है। हम कोई भी खाना अगर स्लो फ्लेम पर बनाते हैं तो वो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। अभी टमाटर हम इसमें खड़े ही डाल देंगे, इसे काटेंगे नहीं। अगर हम काट के डालेंगे तो चिकन हमारा अच्छी तरह पकेगा नहीं। इसमें पानी छूट गया है और ये हमारा अच्छी तरह भून रहा है। आप इसे इसी तरह 5-6 बार 10-10 मिनट ढक कर और ऐसे भूनिए। भून जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए तेल छोड़ दिया है, मतलब हमारा मसाला भी भून गया है। पानी डालकर हम इसे एक सीटी लगा देते हैं, 1-2 सीटी लगा देंगे। अगर आप देसी चिकन लेते हैं तो 2 सीटी लगाइए, अदरवाइज 1 सीटी में हो जाता है। इसके बाद देखिए 1 सीटी के बाद हम इसे खोल के देखेंगे, ये हमारा चिकन तैयार हो गया है। अब इसे हम गरम गरम रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से देखिए मैंने थोड़ा सा धनिया कट किया हुआ डाला है। ये देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना है। यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।